यूपी के बैतूल में एक मिशनरी स्कूल में बच्चों के माथे से तिलक मिटाने और हाथ से कलावा हटाने का मामला अब सामने आया है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने। बैतूल के एक मिशनरी स्कूल में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और स्कूल प्रिंसिपल के साथ बहस की। काफी देर तक स्कूल में हंगामा होता रहा। दरअसल हिंदू संगठन और गुस्साए अभिभावकों ने इस आरोप के बाद स्कूल में प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया है कि स्कूल में बच्चों के माथे से तिलक हटाए जा रहे हैं और रक्षा सूत्र उतरवाए जा रहे हैं। हमने मनाई थी स्कूल में, हाँ कि ना? अगर ना असेंबली में बोलते हैं ना, बोलने की बात नहीं। आपने इस विषय पे हम लोगों ने कल वहाँ जाके विरोध दर्ज किया। विरोध में पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब बीआरसी ऑफिसर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस घटना की सत्यता जांचने की बात कही हुई, तब घटना सत्य पाई गई। बात बढ़ने पर मामले की शिकायत शिक्षा विभाग में की गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने लिखित में माफी मांगी और भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होने का आश्वासन भी दिया। नहीं, मैडम, आप मेरे वर्ड्स ट्विस्ट कर रहे हैं।